दोस्तों, दुर्रे मंसूर की रिवायत का मफहूम है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास हैं। फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान आता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर कैदी को रिहा कर देते और हर साइल को अता फरमाते। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, इसके रावी भी हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर सखी हैं और सखावत का दरिया सबसे ज़्यादा उस वक्त जोश पर होता जब रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए हाजिर होते। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ की हर रात में मुलाकात के लिए हाजिर होते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनके साथ कुरान अजीम का दौर फरमाते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा खैर के मामले में सखावत फरमाते। दोस्तों, इन रिवायात से मालूम हुआ कि सखावत करना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और रमज़ान शरीफ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई भी सखी नहीं होता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान शरीफ का अदब व एहतराम बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमें इखलास की दौलत अता फरमाए। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।